गुड मॉर्निंग, सुबह के कुछ 6:30 बज रहे हैं। वी आर ऑफ टू तिरुमाला और सीन्स कुछ ऐसे हैं। हाँ जी, तो हम जरा तिरुपति बालाजी तक जा ही रहे थे, सोचा कि एक गाइड बना लेते हैं। वैसे तिरुपति बालाजी के दर्शन कर लेने से पहले नाश्ता कर लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वो 2.2 एकर्स में फैला हुआ है। तिरुपति बालाजी के दर्शन करते करते आपके 5 से 6 घंटे कहाँ चले जाएंगे आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा, बेहतर है नाश्ता कर ही ले। हाँ जी, साउथ इंडिया में ब्रेकफास्ट के सीन्स कुछ ऐसे ही है। आइए जरा आपको दिखाते हैं कि आज हमारे ब्रेकफास्ट में क्या है। वैसे साउथ इंडिया आ गए लेकिन दाल पकाना नहीं छोड़ने हमें। हाँ जी, हमने हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया। सिंधिस हर जगह, हर समय, हर वक्त। साउथ इंडिया आके दाल पकवान खाने वाले कौन? वैसे उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक अपना नाश्ता कर ही लिया होगा, क्योंकि अब जाने का समय आ चुका है। वैसे तिरुपति बालाजी जाने के 2 तरीके हैं। तो उसमें से पहला रास्ता है कि आप श्रीवरी मट्टू के जरिए ऑल द वे चल के जा सकते हैं, या हमारे जैसे बस से जा सकते हैं। हाँ भैया, हम सारे आ चुके हैं तिरुमाला बस स्टैंड। आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉल्ड, आई गेस तेलुगु में लिखा है, पढ़ नहीं पाए। हाँ भैया, तो ये बस अड्डे का नाम मिल गया है, नहीं मिलने के बराबर ही है, पढ़ तो पाएंगे नहीं, ना काम कोशिश भी नहीं करना चाहते। इंतजार कर ही रहे हैं बस, अभी मतलब 300 लोगों के साथ घूमने निकले, 300 में से 200-250 चले गए बच्चे अभी हम। वैसे आपके बस का सफर तकरीबन 1 घंटे का होगा, लेकिन ट्रस्ट में शेषाचलम हिल्स के यानी कि 7 हिल रेंजेस के मजे लेते हुए आपका 1 घंटा कहाँ बीत जाएगा आपको उस बात का कोई आइडिया नहीं होगा। हाय, हेलो वाले कोई है? जय गोविंदा। सो दिस इज द एंट्री पॉइंट टू द तिरुपति, एंड ये जो आप हिल रेंजेस देख रहे हैं दीज आर द शेषाचलम हिल रेंजेस, जो कि 8,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, एंड इतना ही नहीं ये 50 करोड़ साल पुराने हैं। हाँ जी, वी आर एट द चेक पॉइंट ऑफ तिरुमाला। यहाँ पे सारी जितनी भी बसेस, जितनी भी जो आप पीछे देख रहे हैं ये रुका देते हैं, पता नहीं कुछ एक चेकिंग होता है। हाँ तो भैया, तो सीन्स कुछ वैसे ही है, फिर मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे होगी चेकिंग। हाय 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 कर दो, हाई कर दो पहले सब लोग। बालाजी इज हियर बॉयज, आ गए आ ही गए, अंदर पता नहीं कितना दिखा पाएंगे, आ तो गए हैं, जितना बनता है दिखाई दे।
यहाँ पे एक सीन है, यहाँ पे लोग दो ही भाषाएं बोलते हैं, एक इंग्लिश दूसरा तेलुगु आई गेस, और मैं जिनके साथ आया हूँ वो सारे सिंधी बोलते हैं, तो मेरे को तेलुगु आती है, इंग्लिश तो आती है भगवान की दया, सिंधी समझ में आ जाती है बस। वैसे तिरुपति बालाजी मंदिर आए एंड ये तिलक नहीं लगाया तो क्या ही लगा लिया यार। So, इसके बाद हम गए थे कल्याण कट्टा, बेसिकली वो क्या है हम अभी आपको बताते हैं। तो आप सभी ने सुना ही होगा कि तिरुपति जाके लोग अपने बाल कटवा लेते हैं, सो बेसिकली कल्याण कट्टा इज नथिंग बट ये वही जगह जहाँ पर जाकर लोग अपने बाल भगवान को ऑफर करते हैं। एंड इसके पीछे की बैक स्टोरी यही है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जाने से पहले वो अपना ईगो ख़त्म करना चाहते हैं, इन द वे ऑफ ऑफरिंग देयर हेयर्स वो अपना ईगो खत्म करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, एक्चुअली मेरे बड़े भैया ने अपने सारे बाल दिए थे तो मैं बस उनके साथ वहीं गया था। वैसे मंदिर के अंदर फोन तो अलाउड है ही नहीं, उसी के साथ साथ आप जीन्स या कोई पैंट नहीं पहन सकते, आपको लुंगी पहननी पड़ेगी। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको बेसिकली बता दूं कि मंदिर के अंदर है क्या। दिस इज तिरुपति बालाजी वॉइस, यही है तिरुमला तिरुपति श्री बालाजी मंदिर। वैसे आपने जो ये मंदिर का स्ट्रक्चर देखा था, इट इज इंस्पायर्ड बाय द्रविड़ियन आर्किटेक्चर, एंड ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है दे आर कॉल्ड एज गोपुरम्स, एंड ये जो पिलर्स है दे आर कॉल्ड एज मंडपम्स। मंदिर के अंदर आप एंटर करेंगे महाद्वारम से, उसके बाद आता है ध्वज स्तंभम जो कि एक कोर्ट यार्ड है, उसके बाद आपको वहां से लाइन में लगना है श्री तिरुपति बालाजी यानी कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए। जो वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूल विराट 8 फीट की मूर्ति है वो गर्भगृह में रखी हुई है। गर्भगृह इज नथिंग बट बेसिकली वूम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप में से कोई तिरुपति बालाजी मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बालाजी की जो मूर्ति है वो एक अंधेरी सी गुफा में होती है जहाँ पर दिए जले होते हैं। हाँ जी, तो गर्भगृह में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है सिवाय वहाँ के पंडितों के, एंड जो तिरुपति बालाजी का दर्शन होता है वो आपको लाइन में लग के कोर्टयार्ड से, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 3 या 4 सेकेंड के लिए आपको तिरुपति बालाजी का दर्शन मिल जाएगा। एक सिधाई में आपको वहाँ पर देखना है गर्भगृह की तरफ, एंड आपको अंदर बालाजी की विराट मूर्ति दिखेगी। सो अगर आप तिरुपति बालाजी आ रहे हैं एंड वहाँ का फेमस लड्डू नहीं खाया तो क्या ही किया यार फिर। वैसे तिरुपति बालाजी दर्शन करने के बाद वहाँ पर सामने ही आपको अन्न प्रसादम मिलता है, जहाँ आपको चावल सांभर चटनी दही चावल ऐसे ही आपको अन्य भोजन मिलता है।
महाप्रसाद जी तिरुपति बालाजी आए, वो महाप्रसाद का मतलब आया नहीं, तो यहाँ आ ही अब जी आ गए हैं तो प्रसाद ग्रहण करने का समय आ चुका है। बैठे सारे सारे के सारे, बस इंतजार है खाना आने का। हाँ जी, जिंदगी में आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम पहली बार अपने हाथों से खाना खाया और खा लिया। इतना ऐसा शानदार था कि वीडियो बनाने को टाइम ही नहीं मिला, खा लिया। बस यार, यही एक छोटी सी कहानी थी श्री तिरुपति बालाजी दर्शन की। वैसे एक छोटा सा झलक और है, वो आप देख के जाइए। देखा आपने, ये है मेरा इंडिया जहाँ रशिया से लोग आके हमारे भजन पर डांस करते हैं। बताओ यार, इंडिया में और क्या ही होना चाहिए। तो बिग चीयर टू देम। यार बड़ा ही फैसिनेटिंग सा एक्सपीरियंस था, आई रियली एंजॉय यहाँ पर आना। एक जो अलग ही स्पिरिचुअलिटी फील होती है उसके तो क्या ही कहने। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू रियली एंजॉय देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू साहिल टॉक्स एंड नीचे लाइक का बटन दबा के जाना एंड कमेंट सेक्शन में बताओ यार प्लीज नीचे कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड मेरे कुछ बिहाइंड द सीन्स फोटोज है, कुछ वीडियोज है जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है। सो यार एक बार इंस्टाग्राम चेकआउट कर लो @SahilTalks। एंड बस यार, आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।